What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज है 8 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:38 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और निफ्टी लगातार नए हाईस क्रिएट कर रहा है। वीकली चार्ट में भी हायर आए हायर लोस के पैटर्न बन रहे, काफ़ी बुलिश मार्केट इस समय दिखाई दे रहा है। हर एक नए लेवल्स के पास एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो हमेशा प्रॉफिट बुक करके चले, पार्ट प्रॉफिट बुक करना काफ़ी बेहतर होगा। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी इम्पैक्ट गिर सकता है मार्केट के ऊपर इसका। तो ये कल का पिक्चर है, यानी 7 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,281 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,229। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स पहले ओपन हुआ और जैसे ही इसने ये जो ब्रेकआउट लेवल है ब्रेक किया कंफर्टेबली, उसके बाद 13,295 फर्स्ट टारगेट अचीव किया, सेकंड टारगेट 13,307 ये भी अचीव हुआ। इसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही टुवर्ड साउथ की तरफ आया एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता था वो आगे जाके सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर भी सपोर्ट एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास किया, फिर बाउंस बैक हुआ एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास, फिर से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से ब्रेकआउट लेवल के पास थर्ड टाइम इसने सपोर्ट टेस्ट किया और ज़बरदस्त अपसाइड मूव यहाँ से फिर से एक बार देखने को मिली। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल्स कल भी साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक फिर से एक बार नए हाईस क्रिएट कर चुका है, 55 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, अभी भी वहां पर कोरोना के केसेस काफ़ी लगातार बढ़ रहे हैं। यूके जस्ट लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन से बाहर आ चुका है, वहां पर वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है। एशियाई बाजार देखें तो SGX निफ्टी हल्की सी गिरावट यानी फ्लैट नोट के साथ इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स देखें तो एशियाई बाजार इस वक्त कमजोर देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखें तो 88 पॉइंट की इस समय गिरावट देख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये डेली चार्ट है डाउ जोन्स का, डाउ फ्यूचर का, तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक करेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो निफ्टी भी जैसे ऑल टाइम हाई के पास अभी इस समय पहुंच चुका है, यानी अनचार्टेड टेरिटरी। यहाँ पर निफ्टी लेवल इस लेवल के पास पहले कभी भी नहीं था, तो ये नए हाईस क्रिएट हो चुके हैं। ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, वीकली चार्ट में जैसे कि RSI को हमने आइडेंटिफाई किया है प्राइस एक्शन वर्सेस RSI, यहाँ पर ओवरबॉट जोन में अभी ये जा चुका है, 70 to 100 ये ओवरबॉट जोन माना जाता है। तो प्राइस एक्शन में एक करेक्शन आना भी लाजमी होगा, तो हर एक नए लेवल पे प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्विंग हाई लो, लास्ट जो स्विंग हाई लो बना है वीकली चार्ट में, उसको पकड़ के ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है। तो अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो 150% का आ रहा है, वो 13,388 के पास है। उसको ब्रेक करता है तो 30,550 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। मार्केट काफ़ी बुलिश है वीकली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में कंटिन्यूस हायर आए हायर लोस के पैटर्न बन रहे, यानी क्या ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो होता है इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। ये हायर आए हायर लोज जो कि हमने हमारे स्टडी प्रोग्राम में सीखा है, ये इस तरह से अपसाइड ट्रेंड का ये ज़बरदस्त बेसिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। वीकली चार्ट में हायर आए हायर लोज कंटिन्यूस बनते हुए देख रहे हैं, तो जब तक यहाँ पर एक लोअर हाई लोअर लो क्रिएट नहीं होता तब तक यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल अभी तक हमें मिला है ऐसा हम कह नहीं सकते टेक्निकली। तो काफ़ी बुलिश मार्केट इस समय देखने को मिल रहा है, ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है।
डेली चार्ट पर भी देखे तो कंटिन्यूज लगातार 7-8 दिनों से हायर हाई हायर लोस के पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर काफी कॉशियस रहना होगा, लॉन्ग जाते वक्त हर एक नए लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल के पास प्रॉफिट बुकिंग करना काफी जरूरी है। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने वीकली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यूज किया था, उसी तरह अगर हम आर्ली चार्ट में इसे यूज करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कल एग्जैक्ट इसने ये लास्ट लो स्विंग हाई स्विंग लो को पकड़ के ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हाँ ये 76.4% का ये जो लेवल है एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं इसके पास रेजिस्टेंस फेस किया इसने, और जैसे ही ओपन हुआ था तो शुरू में इसने जैसे ही 61.8% का लेवल अचीव किया एक प्रॉफिट बुकिंग एक छोटा सा करेक्शन आते हुए देखा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ब्रेकआउट लेवल का यहाँ से फिर से यह बाउंस बैक हुआ और 76.4% का लेवल यहाँ पर अचीव हुआ। अगर ये दोनों लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहा था तो आगे जाके अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 13,356 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में, तो हमें नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 13,419 के पास निफ्टी इंडेक्स पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जस्ट प्रोजेक्शन है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है यानी 13,368 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,384, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,397, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जैसे निफ्टी ने कल फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया था जहाँ पर हर्डल हो सकता है तो वो आज सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये सपोर्ट अगर टूटता है जहाँ पर पिवट पॉइंट का भी लेवल आ रहा है 13,319, ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,303, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है 13,280, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।